नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, फॉस्फोराइलेशन क्या था जब एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के एटीपी बन रहा था। तो अगर ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा था तो वो रिएक्शन थी फोटोफॉस्फोराइलेशन, लेकिन अगर ये ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं थ्रू सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन, जैसे कि NADH2, FADH2, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे तो इनसे हम प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हटाएंगे तो उससे उनका ऑक्सीडेशन होगा एंड अल्टीमेटली यहाँ पर ATP जनरेट हो जाएगा। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सब्सट्रेट टू ADP। मोर करेक्टली ये वाली है कि ATP बना रहे हैं बाय द एनर्जी जो कि रिलीज हुई है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिमूव किए गए हैं सब्सट्रेट के ऑक्सीडेशन से। तो ये करेक्टली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को बता रही है। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन ATP ये गलत है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू ATP ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।